2017-19 वैसे था मेरा, आज 2021 आ चुका है और मैं आज भी बेरोजगार हूँ। सरकार ने बहुत प्रताड़ित किया रहा छात्र छात्राओं को, जिस तरह से 2017-19 हो चुकी, 19-21 हो चुकी है, मैं आज भी बेरोजगार हूँ। अपराध मुक्त तो प्रदेश बन गया है, वास्तव में अपराध नहीं है ज्यादा। अब ऐसा छुटपुट घटना तो होती रहती है, लेकिन सवरों के लिए कोई आयोग नहीं है। अपराध बढ़ रहा है, अपराध में हत्या, अपहरण और बलात्कार आपके ये सबसे बड़े हैं। शिक्षा स्वास्थ्य का पतन हुआ है, आज महंगाई चरम पर है। फिरोजाबाद में रात को 11 बजे तो छोड़िए, दिन में 11 बजे महिलाएं और बहनें सुरक्षित नहीं थी। यहाँ का व्यापारी डरता था कोई धन संपदा ले जाने के लिए, चूंकि फिरोजाबाद चूड़ियों का असर है, रोजाना धन का आदान प्रदान होता है। यहाँ के व्यापारियों से चौथ वसूली, खाली प्लॉट हमारा और बंद दुकान हमारी, ये लगातार चल रहा था। इस पर अगर लगाम और ब्रेक लगाने का काम किया है उत्तर प्रदेश की यशस्वी योगी सरकार ने किया है। बदलाव सबसे बड़ा ये हुआ है कि मेरी सदर बाजार में दुकान है, तो स्थिति ये रहती थी जब और सरकारें थी कि मजरू घूमते रहते थे, महिलाएं आने में डरती थी हमारे बाजारों में। आज हमारा बाजार इतना मुक्त है, इतना सुरक्षित है, इतना सुंदर है सरकार में कि महिलाएं भी आती हैं, सड़कें भी चौड़ी हुई हैं। फिरोजाबाद के किसी भी कारखाने में श्रम कानूनों का कोई पालन नहीं होता। महंगाई इतनी है, तेल सरसों का तेल बताइए कितना महंगा हो रहा है, डीजल पेट्रोल कितना महंगा है सर, सर आम जनता लिए सब्जियां इतनी महंगी है, क्या करे सरकार। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर चुनाव से जुड़ी हर खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। उत्तर प्रदेश चुनाव की हर खबर के लिए डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप।